Welcome everyone to our channel Intensive Study. My name is Soni Kumari. We have been doing maths of class 6 NCERT. In the topic of algebra जिसे हम बीज गणित कहते हैं, so algebra के topic में हम exercise 11.5 का question number 3 solve करेंगे. तो चलिए पहले question को read करते हैं. देखिए इस question में हमें A part में कहा गया है 5m is equal to 60 और values हमें यहाँ पर दी गई हैं. तो ये जो m है इसकी जगह पर हम इनमें से कोई भी वैल्यू को रखकर देख सकते हैं और अपने इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं. तो देखिए हम कैसे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. इनमें से कोई एक डिजिट ऐसी है जिसे रखने पर हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी इस m की जगह अगर हम इनमें से कोई भी एक डिजिट रखेंगे तो हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकता है. बट वो कैसे होगा ये जानने के लिए हमें सारी वैल्यूज रखनी पड़ेगी और सारे वैल्यूज को रखने के बाद इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा. तो चलिए सॉल्व करते हैं. देखिए 5m है, 5m का मतलब है 5 मल्टीप्लाइड बाय m. तो हम यहाँ पर 5m की जगह पहले 10 रख लेते हैं. 10 को रखेंगे ब्रैकेट में. ब्रैकेट में रखने का मतलब यही है कि हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे और सामने 60 जो है वो एज इट इज रहेगा. सो 5 टेन हो जाता है 50 और यहाँ पर तो 60 है. तो देखिए 50 और 60 इक्वल तो नहीं है. इट मींस लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. इक्वल के इस तरफ है लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल के इस साइड में है राइट हैंड साइड. तो आप देख सकते हैं कि 50 और 60 तो इक्वल नहीं होते. तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो 10 हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है. अब देखिए ये जो इक्वेशन है इसे दोबारा से लिख रही हूँ 5. अब मैं m की जगह 5 ले रही हूँ और इज इक्वल टू 60 एज इट इज रहेगा. इस आंसर में हमें कोई चेंज नहीं करना. तो 5 5 सा हो जाता है 25 इज इक्वल टू 60. अगेन 25 और 60 इक्वल तो नहीं है. तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. अब वापस इस इक्वेशन को लेते हैं 5. इस बार मैं m की जगह ले रही हूँ 12 इज इक्वल टू 60 एज इट इज लिखेंगे. 12 5 सा क्या होता है 60. सो 60 इज इक्वल टू 60. देखिए दोनों तरफ सेम आंसर है. इट मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है? हमारे क्वेश्चन का आंसर है 12, क्योंकि 12 ही वो वैल्यू है जिसे रखने पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया है. ठीक है, यानी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया है. हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारा आंसर है वो है 12. आप चाहे तो 15 को भी सॉल्व कर सकते हैं. देखिए 5 लिखेंगे, अब इस बार 12 की जगह मैं 15 लिखूंगी. इज इक्वल टू 60 एज इट इज रहेगा. 15 5 सा हो जाता है 75 इज इक्वल टू 60. सो 75 इज नॉट इक्वल टू 60. 75 जो है वो 60 के इक्वल तो नहीं है. सो वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. क्वेश्चन में जो हमारा आंसर है वो है 12, क्योंकि 12 ही वो डिजिट है जिसको रखने पर हमारा LHS इज इक्वल टू RHS हो गया. ठीक है, यानी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया. सो आवर आंसर इज 12. अब इसके कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं. अब हम क्वेश्चंस को थोड़ा फास्टली करेंगे, थोड़ा स्पीडली करेंगे. ओके, क्योंकि अब हमें कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है. तो देखिए n प्लस 12 इज इक्वल टू 20, ये हमें इक्वेशन दिया गया है. तो हम इस बार n की जगह सबसे पहले 12 को रखेंगे. सो 12 प्लस 12 कितना हो जाता है, और ये जो 20 है इसे इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे. सो 12 प्लस 12 हो जाता है 24, विच इज नॉट इक्वल टू 20. 20 के इक्वल तो नहीं है. सो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है. तो ये तो पहला इक्वेशन हमने सॉल्व कर लिया. अब दोबारा अब इस n की जगह मैं 8 को रख लेती हूँ. 8 प्लस 12 इज इक्वल टू 20. सो 8 प्लस 12 कितना हो जाता है 20 हो जाता है. सामने इज इक्वल टू 20 एज इट इज रखेंगे. सो 20 20 इक्वल है. तो हम कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS. इट मींस हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है, हमारे क्वेश्चन का आंसर है 8, क्योंकि 8 ही वो डिजिट है जिसको रखने पर
LHS is equal to RHS हो गया है, यानी हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया है। तो आप चाहे तो आगे सॉल्व करें या ना भी करें, मैं और आगे भी सॉल्व करके आपको बता देती हूँ। जैसे अब इस 8 की जगह, यानी इस n की जगह अब मैं 20 रख लेती हूँ। 20 प्लस 12 इज इक्वल टू 20, ये हमारा इक्वेशन है। तो 20 प्लस 12 2 और 2 प्लस 1 3। 32 इज नॉट इक्वल टू 20, यानी LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो ये भी हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है। और देख लेते हैं, क्या पता कुछ और डिजिट को ऐड करने से भी ऐसा हो जाता हो। अब इस n की जगह मैं 0 रख रही हूँ। 0 प्लस 12 इज इक्वल टू 20। तो 0 प्लस 12 कितना हो जाता है? 12 हो जाता है, विच इज नॉट इक्वल टू 20। सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। सो सिर्फ एक ही जगह हमें LHS इज इक्वल टू RHS मिला। कहाँ पर? जब हमने वैल्यू 8 रखी थी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है? 8। अब जो इक्वेशन हमें मिली है वो है P-5 इज इक्वल टू 5। तो इस इक्वेशन में हम ये सारी वैल्यूज रखकर देखेंगे कि किससे हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है। तो सबसे पहले मैं इस P की जगह 0 रखूंगी। 0-5 इज इक्वल टू 5। सो 0-5 क्या होता है? देखिए 0-5 क्या है? ये +0-5 है। ओके, ये इस तरीके से है। आगे जब कोई भी साइन ना हो तो उसे हम प्लस कंसिडर करते हैं, यानी वो डिजिट पॉजिटिव है। तो यानी ये +0 है और ये -5 है। प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो यानी कि इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है -5। ओके, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। और क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे माइनस का साइन है तो आंसर में भी माइनस रहेगा। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? -5। सो इसका आंसर है -5 और यहाँ पर है 5। सो -5 और 5 तो इक्वल नहीं है, हमें दोनों तरफ पॉजिटिव आंसर चाहिए। सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। अब ले लेते हैं 10। इस P की जगह मैं 10 को रख लेती हूँ। सो 10-5 इज इक्वल टू 5। 10 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा, इज इक्वल टू 5। सो 5 इज इक्वल टू 5। आंसर दोनों तरफ सेम है, यानी LHS इज इक्वल टू RHS है। अब और भी वैल्यूज रख के देख लेते हैं, क्या पता किसी और से भी सेम आंसर मिल जाए। अब इस बार P की जगह मैं 5 रख रही हूँ। 5-5 इज इक्वल टू 5। ये बन गया इक्वेशन। इक्वेशन वही है, बस हम P की वैल्यू चेंज कर रहे हैं। P में ये सारे डिजिट्स रख के देख रहे हैं। तो 5-5 हो जाता है 0। ये है इधर 5। तो 0 और 5 तो इक्वल नहीं होते। सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ओके, अब देख लेते हैं, इस -5 को रख के देख लेते हैं। अब मैं इस P की जगह -5 रख रही हूँ। फिर -5 लिखेंगे इज इक्वल टू 5 लिखेंगे। सो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, यानी 5 और 5 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और साइन आएगा माइनस का, क्योंकि दोनों 5 के आगे किसका साइन है? माइनस का साइन है। सो -10 क्या इक्वल है 5 के? नो, इट इज नॉट इक्वल टू 5। सो वी कैन से LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। अब हमें मिला है Q अपॉन 2 इज इक्वल टू 7, यानी Q अपॉन 2 इक्वल है 7 के। यहाँ पर हम इस Q की जगह इन वैल्यूज को रखकर देख सकते हैं। तो चलिए पहले इस Q की जगह मैं 7 को रख लेती हूँ। 7/2 क्या इक्वल है 7 के? नहीं। 7/2 का मतलब क्या है? 2 3 हो जाता है 6, और फिर आ जाता है 1 1, फिर यहाँ पर आप पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0 2 5 10। आंसर क्या है? 3.5। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तो 7 है। इट मीन्स 7/2 इज नॉट इक्वल टू 7, क्योंकि हमारा आंसर 3.5 आना चाहिए था 2 को 7 से डिवाइड करने पर यहाँ पर तो 7 है। तो इट मीन्स ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है। अब 2 को रख लेते हैं। 2/2 इज इक्वल टू 7। सो 2 2 को कैंसिल कर देगा 1 पे। सो 1 क्या इक्वल है 7 के? ऑफकोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं। सो हम यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, लिख देती हूँ, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS।
और यहाँ पर भी LHS is not equal to RHS. अब इस Q की जगह मैं 10 रख के देखती हूँ, 10 upon 2 is equal to 7. So 2 10 को cancel कर देगा 5 पे. So 5 क्या equal है 7 के? No. So LHS is not equal to RHS. So ये भी हमारे question का answer नहीं है. अब last digit बचती है 14. तो मैं इस Q की जगह 14 को रख के देखती हूँ. 14 upon 2 is equal to 7. 2 14 को cancel कर देगा 7 पे, क्योंकि 2 7 जा 14 होता है. So अब हमारे पास आ गया 7 is equal to 7. तो दोनों तरफ हमारे digits सेम है, यानी कि LHS equal है RHS के. ओके, तो वो कौन सी डिजिट है जिसकी वजह से ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया है? दैट डिजिट इज 14. सो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है 14. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू वेरी मच.